हम हंगर इंडेक्स में कहाँ खड़े हैं, नीचे से कहाँ हैं। जो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वो इनइक्वालिटी के पैरामीटर पे कहाँ खड़े हैं, वो हैप्पीनेस इंडेक्स में कहाँ खड़े हैं। अब ऊपर से नीचे के राजनीति का अंत हो गया है। अब नीचे से जो समाज की जो आवाज़ उठेगी वही राजनीति का आधार बनेगी। मैं कहना चाहता हूँ कि देश किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से नहीं, जन आकांक्षा से चलेगा। मतलब अब मनमर्जी नहीं, जनमर्जी चलेगी। इसके साथ मैं सबसे पहले देश के उन सभी समझदार और ईमानदार मतदाताओं को धन्यवाद जिन्होंने लोकतंत्र को एक तंत्र बनाने से रोका। देश की सबसे प्रेस्टिजियस परीक्षा, उसका भी पेपर लीक हो गया। और आखिरकार ये पेपर लीक हो क्यों रहा है? सरकार आशा का प्रतीक होनी चाहिए, निराशा का नहीं। होई वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला। जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो है खुद किसी के सहारे के लाचार। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कह देना चाहता हूँ, होई वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला। जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो है खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण, सदियों में जन 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 गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। आशा है ये सरकार तब तक चलेगी, तब तक उसके केंद्र में इस देश का हर एक गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, महिला, युवा, छोटा कारोबारी, ईमानदार, नौकरी पेशा, आम आदमी और कर्मचारी, अधिकारी, मजदूर और किसान होगा, ना कि धनवान होगा। और शासन के आधार पर संविधान होगा, वह जुमलों की जगह सच में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, सांप्रदायिक हिंसा, दलित व महिला उत्पीड़न, सामाजिक अन्याय जैसे मूलभूत मुद्दों का समाधान होगा। और भोजन, बिजली, पानी, दवाई, पढ़ाई जैसी बुनियादी ज़रूरतों के लिए कागजी योजनाओं की जगह सच में इंतज़ाम होगा। जो बात कभी अध्यक्ष महोदय कास्ट सेंसस की उठी थी, हम उस कास्ट सेंसस के पक्ष में हैं कि बिना कास्ट सेंसस के सामाजिक न्याय संभव नहीं है। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। के देश की सुरक्षा के साथ अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करने से समझौता हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कोई है तो वो देश की सीमाओं की सुरक्षा है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं बाद में, जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, जनता कह रही है चलने वाली नहीं, ये गिरने वाली सरकार है। और क्योंकि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। लेकिन अध्यक्ष मोदी, ये सरकार क्यों छिपाती है कि अगर ये हमारी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी, अगर हम पांचवें नंबर पर हैं, तो हमारे देश की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय,
हमारे किस स्थान पर पहुंची है, जहां विकास के नाम पर खरबों रुपए की लूट का राज खोलते भ्रष्टाचार के गड्ढे प्रदेश का नाम खराब कर रहे हैं, वहीं पहली बारिश में ही टपकती हुई छत और गिर चुकी स्टेशन की दीवार बेईमानी की निशानी बन गई है। उत्तर प्रदेश में प्रभुत्व की लड़ाई दो लोगों को आपस में लड़ा रही है, लेकिन उसकी मार जनता को सता रही है। लोकतंत्र स्वस्थ होगा, बल्कि हमारे लोकतंत्र और मजबूत दुनिया में दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय, ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। ना ईवीएम का मुद्दा मरा है, ना जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। बल्कि हमें याद है कि प्रधानमंत्री जी ने बड़े पैमाने पे गांव गोद लिए थे, और सोचिए अगर देश के प्रधान सांसद अगर किसी गांव को गोद ले लें और उस गांव की तस्वीर न बदले, तो शायद मैं नहीं समझता हूं कि किसी गांव की तस्वीर 10 साल में बदली होगी। टूटी सड़कें, कच्ची पगडंडियां, उखड़े और टूटे हुए ईंट के खंजे, बदहाल हैंडपंप जिसे गोद लिया जाता है उसे अनाथ बनाकर छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने कहा कि हम आय किसानों की दोगुनी कर देंगे, आज किसान पूरा देश का देख रहा है कि उसकी आय कहाँ दोगुनी हो गई। और जिस तरह महंगाई बढ़ी है, सरकार बताए कि महंगाई इस बढ़े पे उसकी आय कितनी होनी चाहिए। साथ ही साथ ओपीएस की बात अभिभाषण में नहीं आई है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जिससे हमारे तमाम सरकारी कर्मचारियों का भविष्य बन सके। जो कुछ पद निकलते भी हैं तो उन पर लेटरल एंट्री के नाम से पिछले दरवाजे से कुछ खास संगी साथियों को रख लिया जाता है। आरक्षण का हक नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर हड़पा जा रहा है। और अध्यक्ष महोदय, आरक्षण के साथ इतनी खिलवाड़ किसी सरकार ने नहीं की होगी जितनी खिलवाड़ इस सरकार ने की है, जहां